गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जॉब इडियो में। आज हम इस वीडियो में क्वार्टर के बारे में यानी क्वार्टर खाली कैसे करें और क्वार्टर खाली करने की आवश्यकता कब पड़ती है, तो इसमें अपन क्वार्टर से संबंधित रूल्स देखेंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, क्वार्टर खाली करने की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, यानी रिटायरमेंट होने से कितने समय पहले आप क्वार्टर खाली करना पड़ता है, तो ये आपको रिटायरमेंट से 3 महीने पहले, जब जिस दिन आपका रिटायरमेंट है उससे आपको 3 मंथ पहले क्वार्टर आपको जमा करवाना पड़ता है, ये ध्यान रखना, वैकेट करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, नहीं तो आपकी फिर 3 महीने की लास्ट की सैलरी रुक जाती है। अपना एक अगला क्वेश्चन इसमें कि यदि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, देखो एक तो ट्रांसफ़र होता है, एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यदि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो ट्रांसफ़र के समय रेलवे क्वार्टर जमा करवाना पड़ेगा आपको। आप यहाँ से मान लो कहीं लग रहे हैं, आप मान लो आप गुजरात में और आप दिल्ली आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्वार्टर जमा करवाना पड़ेगा वहाँ पे भी। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसमें ऐसा रूल नहीं बनता, आप जिसके संग म्यूचुअल ट्रांसफ़र करेंगे तो वो आपकी जगह आ जाएगा और आप उसकी जगह चले जाएंगे, ऐसे ही आपका क्वार्टर का एलोकेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि आप उस क्वार्टर में चले जाएंगे वो आपके में आ जाएगा। क्वार्टर चेंज कैसे करें, तो ये है कि मान लो आपके पास टूटा फूटा क्वार्टर है, पुराना क्वार्टर या टाइप 1 का, और आपको टाइप 2 क्वार्टर चाहिए, तो या तो आप पहले उसको जमा करवा दो या फिर आप जाके PWD विभाग में क्वार्टर चेंज की एप्लीकेशन लिख दो। तो अपने ये क्वार्टर संबंधित इसी में रूल देखेंगे और देखेंगे कि अपन क्वार्टर जमा करवाएं तो उसका एप्लीकेशन कैसे लिखें। आप देखिए फ्रेंड, एप्लीकेशन में अपने को क्या क्या लिखना है और किस किस को एप्लीकेशन भेजनी है लिखना, और जो राइटर अपन लिखेंगे किस किस को फॉरवर्ड करना अपने को, ये देखते हैं। तो ये देखो एक्चुअली में जो मैंने खुद ने रिजाइन किया था, सर्विस से रिजाइन किया था, उससे पहले मैंने क्वार्टर भी वैकेटेड कर दिया था, खाली कर दिया था क्वार्टर, तो उसकी एप्लीकेशन जो अपना बाबू वहाँ पे वहीं पे मेरे को इसका फॉर्मेट मिल गया था उनके पास ही, कैसे क्या लिखनी वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप जहाँ पर भी कार्य थे, जैसे ईस्टर्न रेलवे है, नॉर्थ फ्रंट रेलवे है, जहाँ पर भी हैं, ये डेट टू द SSE, अब एप्लीकेशन आपको अपने SSE को लिखनी है, न कि PWD डिपार्टमेंट में, आपको अपने SSE को लिखनी है और वो फॉरवर्ड करेगा वहाँ से टू द SSE ब्रिज RPN, यानी कि ये RPN है, रंगापारा स्टेशन का नाम RPN, वहाँ पे गुवाहाटी के अंदर नॉर्थ फ्रंट रेलवे। अब विषय वैकेशन ऑफ रेलवे क्वार्टर नंबर, यानी जो आपका रेलवे क्वार्टर है उसका नंबर है 87A टाइप 1 इलेक्ट्रिक, यानी ये इलेक्ट्रिक अलग से ये लाइन बटी हुई होती है, नाम होता है उनका क्वार्टरों का, ठीक है ना, किस एरिया में स्थित है। 8 लोको कॉलोनी RPN, यानी लोको कॉलोनी के अंदर स्थित है। आगे ये आपको फॉर्मेट वहीं मिल जाएगा और ज़्यादा इसमें कुछ अपने को भारी भरकम नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लिखना है नॉर्मली। With due respect, I beg to state that myself vacated the railway quarter number 87A type 1, जो type 1 है, type 2 है, 8 लोको कॉलोनी RPN on date, इतनी तारीख को, देखो मैं रेलवे क्वार्टर का आपके क्वार्टर ही खाली कर रहा हूँ। This is for your kind information and necessary action, please. कॉपी टू, अब आपको कॉपी किस किस को देनी है ये भी देख लो, जो आप क्वार्टर वैकेट करेंगे, क्वार्टर करेंगे, जमा करेंगे, उसकी एप्लीकेशन कहाँ का फॉरवर्ड करनी है। डिप्टी चीफ इंजीनियर, यानी जो आपका हेड क्वार्टर है वहाँ की डिप्टी को, चेयरमैन, जो आपके वहाँ पे चेयरमैन बैठता है, SSE PWD डिपार्टमेंट में जमा होगा आपके एक लेटर, ये इलेक्ट्रीशियन यानी जहाँ से आपका बिजली का बिल कटता हर महीने आपके अकाउंट से, खाते से, आपकी सैलरी से, वहाँ पे एक इसकी कॉपी जमा हो जाएगी, और ये स्टाफ कॉन्करेंट यानी ये आपके पास कॉपी रहेगी, ये कॉपी बस ये लिखना है, और ये लिख के आप अपने SSE को दे दो, SSE यहाँ से इन सभी को इनको फॉरवर्ड कर देगा। SSE नंबर QR 1st RPN, ये आपकी यूनिट का नाम है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपके सिग्नेचर ये हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं करना आपको, ये सिग्नेचर हो जाएंगे आपके। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। धन्यवाद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यदि आपकी इस प्रकार की कुछ और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर प्रकार की अपडेट तुरंत मिलती रहे।